दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने आज दोस्तों एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर का अंतिम वर्ष जिसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2021 के लिए दोस्तों छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा था, उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जिसमें दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी होम साइंस फाइनल ईयर, बीकॉम पार्ट फाइनल ईयर, बीबीए फाइनल ईयर, यानी तो सभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए जो है टाइम टेबल यहाँ पर जो है बीएड सेकेंड ईयर, बीपीएड सेकेंड ईयर, एमकॉम फाइनल ईयर, बीली एंड डीसीए, पीजी डीसीए एंड पीजी डीमो, इस प्रकार जो सभी के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों परीक्षार्थी जो निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि दोस्तों इस नोट को आपको जरूर से नोट करें, परीक्षार्थियों के लिए आवेदन पत्र का जांच करें। और दोस्तों अभी चल रहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी उपयुक्त कक्षा परीक्षा के लिए पात्रता नहीं पाया जाता तो ऐसी स्थिति में उसका परिणाम निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा, जिसका लिए प्राथमिकता महाविद्यालय को अग्रसरण अधिकारी तथा छात्र स्वयं जिम्मेदार होगी। इसी प्रकार दोस्तों उत्तर पुस्तिका संबंधित महाविद्यालय में जमा करने से तिथि और दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। एग्जाम हो जाने के पश्चात दोस्तों फिर आता है एक ही कक्षा का प्रश्न पत्र एक ही तिथि में कई शिफ्ट अधिकतम 6 शिफ्ट में अपलोड किए जाएंगे, जिसमें छात्र विभिन्न कक्षा का पेपर होंगे, जिसमें शिफ्ट वाइज विवरण पेज क्रमांक 4-5 में दिया गया, जिसमें स्नातकोत्तर प्रथम दूसरे वर्ष जिसमें स्नातकोत्तर पूजे पीजी सेमेस्टर विधि संघ का एक समय सारणी अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। तो अभी दोस्तों स्नातक प्रथम वर्ष दूसरे वर्ष का टाइम टेबल जारी नहीं किया है, जिसमें इस स्नातकोत्तर का भी दोस्तों और पीजी सेमेस्टर का भी इसके लिए अलग से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों 22/5/2021 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो है अपलोड हो जाएगा, तो अथवा दोस्तों सीधे exam.bucg एग्जाम पोर्टल से आप सीधे डाउनलोड कर पाएंगे, जिसके दोस्तों आपको आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी प्रकार कोई तकनीकी समस्या आता है तो विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर आपको जो है कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सभी विधि संकाय के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यूनिवर्सिटी आपको जो आंसर शीट आपको यानी दोस्तों क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड का उपयोग करके आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है बिलासपुर यूनिवर्सिटी का मैं अपने वेबसाइट पर खोलेंगे, जहाँ पर होम पेज पर ओपन कर लेफ्ट साइड में दिए गए क्विक लिंक्स पर क्लिक करेंगे। क्विक लिंक्स पर क्लिक करने पर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर लिंक आ जाएगा। आप बिना यूज़र आईडी या दोस्तों आप अपने यूज़र आईडी को उपयोग करके आप यह जो है प्रश्न पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अगर तो छात्रों को किसी प्रकार से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दोस्तों संकाय हिसाब से जो है हेल्प नंबर दिए यहाँ पर जो है कॉल कर पाएंगे। फिर आता है दोस्तों